नमस्कार सर। प्रोफेसर साहब नमस्कार जी, आपको हार्टी वेलकम एंड हैप्पी अष्टमी, हैप्पी दुर्गा नमस्कार। पूजा। एंड सेम आपने टू यू सर। आपने जेन का मुझे बड़ा अच्छा भेजा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसको आपने चेक तो कर ही लिया, इसको अब मिनिमाइज कर लीजिए, जब बच्चे आ जाएं उसके बाद इसको कीजिएगा। कोई बात नहीं, ऐसे करते हैं, इतनी जितनी देर तक वो नहीं आते उन्नी देर तक असं जे इन्हों की मैं थोड़ा दसना सीगा। कल जी मैं मैसेज भेजा सी तिमन साहब ने ना अपना पॉल रैलप की जी किताब ना जैन फ्लैश जैन बोन उन्हें कमेंटरी की थी। उत्ते ना जे अपने खीर से ना 112 जे तंत्र सूत्र ने ना गल की थी। ना इन पहले मिनिमाइज कर लो क्योंकि जब ये ऑन रहता तो पता नहीं लगता कि बच्चे किन्ने आ गए ने। जिहड़ी ना जम्मू साइड ते तुसीं देखे होणा है कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स। हैलो। हाँ मैं सुन रहा जी, सुन रहा जी। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ना पीछे नाल ही एक कनाल जिहड़ी जांदी है उत्थे करके ना इन्हां कश्मीरी पंडतां दा अपने लगा मंदिर हैगा। हाँ जी। लक्ष्मण जी यू दे मतलब इन्हां जिहड़े फॉलोअर ने ना संडे ते संडे एक मीटिंग कर लैंदे ने। अच्छा। क्योंकि लक्ष्मण जी दे नाल ना अपने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी काफी एसोसिएटेड सन। हेलो। अच्छा, मैं सुन रहा जी, मैं सुन रहा जी। मैं थोड़ा पढ़ लिया सी सारा। ठीक है, ठीक है। कई जड़ियां गल्लां ने ना अपने असि गलबात असि बाद च दसांगे। ठीक है जी, ठीक है। चलो कोई नहीं, स्टूडेंट अपने आ गए ने, चार पार्टिसिपेंट आ गए ने। प्लीज टेक ऑन सर, प्लीज टेक ऑन। ओके 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 सर, थैंक यू। मैं एक बार देख लवा ना केड़े केड़े बच्चे आए ने। तुसी मैं ओही ते कह रिया संधू आए ने। नहीं नहीं तुसी एक मिनट सर, मेरे कोल हैगे ने इत्थे। हां जी हैगे बच्चे अजे, मैं ते तुसी आ, दो ही बच्चे आए ने। दो ही बच्चे आए ने, एक एक रोशनी बेहाम और एक आईटीएफटी स्टूडेंट सुल्तान। हां जी, हां जी। ठीक है, कोई बात नहीं। हार्टी वेलकम टू बोथ ऑफ यू अर्ली इन द मॉर्निंग, सुल्तान एंड रोशनी। इट्स टुडे इज अ हैप्पी अष्टमी एंड देयर इज वन मोर स्टूडेंट हु हैज जॉइंड। ओके, प्लेजर। ओके, शुड आई स्टार्ट नाउ? प्लीज गो अहेड। ओके, देखो यस्टरडे, हाँ बेटा, टुडे वी विल टॉक अबाउट अकाउंटिंग फॉर मैनेजर थ्योरेटिकल पोर्शन। जो आप बच्चे मुझे कह रहे थे कुछ तो अकाउंटिंग के क्वेश्चंस हैं, जैसे व्हाट आर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, व्हाट इज गैप, व्हाई देयर इज नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसके ऊपर मैं दो मिनट में बोल देता हूँ। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ एवरी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, सो वी नीड सर्टेन प्रिंसिपल। बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके ऊपर ना ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। वो आपको मैंने पहले लेक्चर में बता दिए थे, जैसे सेपरेट आइडेंटिटी प्रिंसिपल, सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल, सेकेंडली गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। तो इसके बाद जो आपको कुछ और हैं प्रिंसिपल, जैसे रियलाइजेशन प्रिंसिपल, वो कहता है कि ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड की जाए, रेवेन्यू तभी रिकॉर्ड किए जाए
जब क्रिटिकल इकोनॉमिक इवेंट हैज बीन परफॉर्म, और उनके साथ जो कॉस्ट हम मैच करते हैं दैट कम्स टू इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। तो मैचिंग कंसेप्ट ये बताता है कि जो तीन तरह के या चार तरह के जो एक्सपेंसेस है ना वो रेवेन्यूज के साथ मैच किए जाते हैं। ठीक, फिर इसके बाद गैप है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, व्हाई देयर इज नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो वही होते हैं अब मेरी आवाज क्लियरली आ रही है बताइए। बिल्कुल क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है। हाँ ठीक है, तो इसके बाद व्हाई देयर इज नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखिए हम जो भाषा है ना अलग अलग बोलते हैं, इसको एक स्टेज पे जाकर ना स्टैंडर्डाइज कर देते हैं ताकि सभी लोग उसका मीनिंग वही लें। इसी तरह से जो अकाउंटिंग एंटरप्राइजेस में ना डिफरेंट कंसर्न जो है ना डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस दे आर फॉलोइंग डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इनको हार्मोनाइज करने के लिए ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ी। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, इसमें आरबीआई इंडस्ट्री की सभी की पार्टिसिपेशन कंसेंट होती है तभी जाकर वो अप्रूव होते हैं। तो कुछ वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड हैं, कुछ वो फॉलो किए जाते हैं अगर कंपनी का जो बिजनेस जो है ना वो एंड जहां इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड आते हैं और साथ में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो फॉलो करके ना वो एनुअल रिपोर्ट में क्लियर किए जाते हैं कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया है, लेकिन बेसिकली ये काफी एक दूसरे से एग्री करते हैं क्योंकि आजकल का जो इन्वायरमेंट है ग्लोबलाइज्ड है, सो कंपनी दे हैव टू फॉलो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो उसी के हिसाब से वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ग्लोबल स्टैंडर्ड को देखकर ही फार्मूलेट करते हैं। देन इसके बाद एक जूरी का क्वेश्चन है, व्हाट इज डेप्रिसिएशन, व्हाट आर द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे क्लियर कर दूंगा। देन व्हाट आर एडजस्टमेंट, व्हाट इज ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट्स, ये आपने क्वेश्चन किया होगा तो उसमें आगे होंगे। व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट, डिस्कस यूजेस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, ये तो आपको मैंने क्लियर कर दिया ना, ये थ्योरी के क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। डेप्रिसिएशन पे मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, डेप्रिसिएशन इज सिस्टेमेटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। इसको वियर एंड टियर की फॉर्म में जो फिक्स एसेट की जो वियर एंड टियर होती है क्योंकि वो लगातार इसको यूज करने से जितनी जो मशीनरी में की प्राइस में गिरावट आती है दैट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। इसी तरह फर्नीचर की ओवर द टाइम की वियर एंड टियर होती रहती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसको फॉलो करने के ये कुछ मेथड्स हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि आपकी जैसे 1,00,000 की वैल्यू है मशीनरी की, उसकी लाइफ 10 साल की है, तो हम उसको 10 साल में इक्वली डिवाइड कर देते हैं। 10 साल के बाद मान लो उसकी वैल्यू 0 है तो हर साल जो 10,000 डेप्रिसिएशन लगेगा, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें जो डेप्रिसिएशन है ना वो इक्वल ही प्रोवाइड की जाती है। सेकंड मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसमें ऐसे किया जाता है कि जो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है ना वो कम होता जाता है, जैसे 20% डेप्रिसिएशन है प्रोवाइड करते हैं रेट पे, 1,00,000 की मशीनरी ली है, पहले साल का जो डेप्रिसिएशन होगा वो 20,000 होगा,
तो मशीनरी की कितनी वैल्यू रहेगी? 80,000। नेक्स्ट ईयर 80,000 पे आपने 20% डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, तो कितनी रह जाएगी? 16,000। फिर इसके बाद 64,000 पे 20%, 12,800, लाइक दिस। ये जो है ना वो कम होता जाता है, क्लियर। फिर इस नेक्स्ट मेथड है आर बेसिस या किलोमीटर बेसिस। मशीन की जो लाइफ है ना, किलोमीटर के हिसाब से या आर्स के बेसिस पे हम मेजर करते हैं। जैसे एक कार है, उसकी लाइफ कितनी होती है? 1 लाख किलोमीटर मान लीजिए। तो जितने किलोमीटर चली, उसी को हम उतना ही वो कर देते हैं कि इसका जो डेप्रिसिएशन इतना होगा। इसी तरह मशीन है, कितने घंटे चली, वो जैसे मशीन की लाइफ मान लेते हैं, 1 लाख की मशीन है, उसकी लाइफ है 10,000 आवर्स, ठीक है। 10,000 आवर्स है, मशीन जो है ना वो 2,000 आवर चली, तो उसका जो डेप्रिसिएशन है वो 20,000 आ जाएगा। अगर वो 1,000 आवर चली, तो उसका जो डेप्रिसिएशन 10,000 आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं। इस हिसाब से हम डिवाइड कर देते हैं। सम ऑफ डिजिट्स मेथड में क्या होता है? मशीन हमने परचेज की, पहले साल उसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी रहेगी? 5 साल, तो उसको 5 की वेटेज दी। दूसरे साल उसकी लाइफ कितनी रह जाती है? 4 साल। दूसरे साल के शुरू में उसकी लाइफ रह जाती है 4 साल, उसको 4 की वेटेज दी। फिर तीसरे साल उसकी लाइफ कितनी रह जाती है? 3 साल, रिमेनिंग लाइफ 3 साल रह जाती है, 3 की वेटेज दी। फिर इसके बाद सेकंड ईयर के, फोर्थ ईयर के शुरू में उसकी लाइफ कितनी रह जाती है? 2 साल, 2 की वेटेज दी। लास्ट ईयर में कितनी लाइफ उसकी रह जाती है? 1 ईयर, तो उसको 1 की वेटेज दी। मीन्स के 4, 5, 4, 3, 2, 1, इनको टोटल कर दो, कितना आ गया? 15। तो फिक्स एसेट को 15 से डिवाइड करके इंटू 5 कर दिया, तो ये क्या आ गया हमारा? वो डेप्रिसिएशन। सम ऑफ डिजिट्स मेथड में हम इस तरह रिकॉर्ड करते हैं। सम ऑफ डिजिट्स मेथड में हम इस तरह डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हैं। देन इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है, दैट इज रिलेटेड विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा आपको बताना था। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, इनफैक्ट एवरी डिसीजन मेकिंग। एज डिफरेंट पर्सन स्पीक यूज डिफरेंट लैंग्वेजेस, देयर इज नीड टू हार्मोनाइज द लैंग्वेजेस। फॉर दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर यूज्ड एंड देयर आर सर्टन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मैं आपको बता दूं, अगर आपको जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल आते हैं, तो स्टैंडर्ड जो है ना वो उसकी एक्सटेंशन है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दे आर द एक्सटेंशन ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इंटरनेशनल अकाउंटिंग लेवल पे भी वो स्टैंडर्ड सेट होते हैं, लेकिन इंडिया के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो मेरा अपना जो एक्सपीरियंस बताता है, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं ना, इंडियन इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट वही उसको फॉलो करते हैं, ज्यादातर उसी के पैटर्न पे वो बना देते हैं। क्लियर है कि नहीं। देन नाउ लेट अस टॉक अबाउट द न्यू पोर्शन, यूनिट डी, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यू नो फाइनेंस इज द प्रोविजन ऑफ मनी एट द टाइम व्हेन रिक्वायर्ड एट मिनिमम एसोसिएटेड कॉस्ट, परस्यूड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ द ओनर। क्योंकि फाइनेंस मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट के एस्पेक्ट में, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। विदाउट फाइनेंस यू कांट डू द बिजनेस, यू कांट डू द बिजनेस, इट इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। बट वी हैव टू प्रोक्योर एट मिनिमम एसोसिएटेड कॉस्ट, वी हैव टू प्रोक्योर फाइनेंस एट मिनिमम एसोसिएटेड कॉस्ट विद पर्पस ऑफ मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ द ओनर्स। मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ द ओनर्स,
जो बिजनेस के ओनर्स कौन कौन से होते हैं आप बता सकते हैं? अनुषा बता सकते हैं? सर उसके सर उसके इन्वेस्टर्स, उसके शेयर होल्डर्स, दी बेंचर होल्डर्स, उसके शेयर होल्डर होते हैं, दे आर द ओनर ऑफ द बिजनेस, तो वी हैव टू मैक्सिमाइज देयर वैल्यू। वो ऐसे होता है कि जरूरी नहीं कि हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करके ही उसकी वेल्थ को बना सकते हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है ना, दैट इज शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, वो शॉर्ट टर्म है। प्रॉफिट तो हम वैसे ही मैक्सिमाइज कर सकते हैं, जैसे R&D का खर्चा कम कर दो, वर्कर की वेलफेयर पे खर्चा कम कर दो, तो आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो बेशक मैक्सिमाइज ज्यादा आ जाएंगे, लेकिन उसी के हिसाब से वर्कर का जो मॉरल है वो डाउन हो जाएगा। या फिर हम क्या करते हैं कि कुछ वो टैक्सेशन की या अकाउंटिंग की पॉलिसीज ऐसे रखते हैं जिससे हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो ज्यादा हों, लेकिन इसका लॉन्ग रन में डिसएडवांटेज होता है। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आर डिफरेंट। कंपनी के जो शेयर्स की वैल्यू है वो ज्यादा आ रही है, मार्केट में उसका रेट है हाई है, दैट मीन्स वी आर मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ द ऑनर्स। Am I right? अगर हम प्रॉफिट कमा रहे हैं अनएथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करके, तो उससे कंपनी की जो रेपुटेशन है वो कम होगी, खराब होगी, तो हमारी जो शेयर की जो वैल्यू है वो मिनी वो कम होती जाएगी। एंड इफ द कंपनी वांट टू रेज द लोन, तो उसको फिर वो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो इंटर करनी पड़ेगी। दिस इज अ डिसएडवांटेज। एंड Why do we need finance? हमारे शास्त्रों में लिखा है धर्मा अर्था कामा मोक्षा आर द फोर पुरुषार्थ ऑफ लाइफ। अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है लाइफ का वो लिबरेशन है। धर्म से काम लेना पड़ता है, अर्थ भी हमको चाहिए, फाइनेंस भी चाहिए, कामा ग्रेटिफिकेशन ऑफ द नीड्स, देन मोक्षा अल्टीमेट योर गोल है ना लाइफ का, दैट इज द लिबरेशन। इफ वी कैन इम्बाइब धर्मा इन आवर लाइफ, वी कैन नॉट सेटिस्फाई अवर नीड्स। इफ वी कैन इम्बाइब धर्मा इन आवर लाइफ, देन वी कैन नॉट ओनली सेटिस्फाई अवर नीड्स बट बिकम लिबरेटेड फ्रॉम आवर नीड्स। ये तो फिलॉसफी है। एंड डू यू थिंक इफ वी हैव क्रेडिबिलिटी, ऑनेस्टी, expertise, dynamism, then finance will automatically flow into the institution. आप ये मानते हैं कि नहीं? Do you agree with it or not? मैंने देखा दिल्ली मेट्रो का केस, या फिर भरतपुर में एक संस्था है अपना घर। भरतपुर की जो संस्था है ना अपना घर, उसमें क्या था कि जो उनके पास ना डॉक्टर भारद्वाज ने स्टार्ट किया है, उसकी डेडिकेशन को देख कर ना लोगों ने इतना फाइनेंस इकट्ठा कर दिया ट्रस्टीज ने, तो ये बहुत बड़ा वो प्रोजेक्ट है। इट इज बिकॉज ऑफ द डेडिकेशन, सिंसेरिटी, क्रेडिबिलिटी ऑफ द पर्सन। क्रेडिबिलिटी में जो डिमेंशंस आते हैं, ऑनेस्टी, एक्सपर्टाइज, डायनामिज्म। जैसे एक डॉक्टर की क्रेडिबिलिटी क्या है, आपको वो ऑनेस्टली एडवाइस करता है, देन उसका एक्सपर्ट नॉलेज कितना है, देन डायनामिज्म, वो आप में एक होप, पॉजिटिव एटीट्यूड जनरेट करता है, देन ही इज क्रेडिबल। क्रेडिबिलिटी के कंपोनेंट्स होते हैं ऑनेस्टी, एक्सपर्टाइज एंड डायनामिज्म। अगर जो लीडर है, जैसे ई श्रीधरन थे दिल्ली मेट्रो के, बिकॉज ऑफ हिज क्रेडिबिलिटी जो दिल्ली मेट्रो को फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं आई। क्लियर? इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस दे आर इंटरलेटेड। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? द स्टडी ऑफ हैप्पीनेस एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो
ये देखना है क्योंकि इकोनॉमिक्स को ना साइंस ऑफ वेल्थ बना दिया, ये गलत बात है। इकोनॉमिक्स शुड बी द स्टडी ऑफ हैप्पीनेस एंड वेलफेयर, ये मेरा ये मानना है। देयर में बी स्टडी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं, लोकल बॉडीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, हाउस होल्ड फाइनेंस और बिजनेस फाइनेंस, आप इसकी भी स्टडी करते हैं, वहां भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो अप्लाई होते हैं। ये थ्योरी पोर्शन है। एंड व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द ऑपरेशनल मैनेजमेंट रिलेटेड विद प्रोक्योरमेंट, डिस्पर्समेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस एट राइट टाइम इन राइट वे थ्रू राइट पर्सन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑपरेशनल मैनेजमेंट रिलेटेड विद प्रोक्योरमेंट, डिस्पर्समेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस एट राइट टाइम इन राइट वे थ्रू राइट पर्सन। तो आप कहेंगे कि मैनेजमेंट क्या है? बेसिकली मैनेजमेंट में क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी एंटीसिपेट, वी एंटीसिपेट व्हाट विल बी द फ्यूचर। प्लानिंग जो है ना वो बाद में आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी एंटीसिपेट, प्लान, ऑर्गेनाइज, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। ये आपने पढ़ाई होगा, एम आई राइट और रॉन्ग? क्यों प्रियंका, अनुषा, रश्मि, सुल्तान, आपने ये पढ़ाया कि नहीं है? ये आप इसको यूज करते हैं। एंटीसिपेशन का मतलब सर, जैसे कि जैसे आपने बताया, एंटीसिपेशन आपने ये पहली बार सुना है ना, एंटीसिपेशन, ये मैं इसके ऊपर मैं बोल देता हूँ। हाँ जी, एंटीसिपेशन आपने नहीं पढ़ा। देखिए, वी हैव टू एंटीसिपेट दैट ट्रेंड्स, वो ट्रेंड क्या होंगे। एंटीसिपेशन जैसे देखिए, एक स्टेज थी के ना स्विट्जरलैंड का 76% शेयर था वॉच इंडस्ट्री में, तो इट वाज एंटीसिपेटेड कि स्विट्जरलैंड का वो 90% शेयर हो जाएगा। जापान ने रूल ऑफ द गेम ही चेंज कर दी, जो ट्रेडिशनल वॉचेस थी ना उसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस आनी शुरू हो गई, तो जापान का जो ना 60% शेयर हो गया, और जबकि स्विट्जरलैंड का वो 26% शेयर रह गया। इट इज बिकॉज ऑफ एंटीसिपेशन। स्विट्जरलैंड दे कैनॉट एंटीसिपेट द ट्रेंड्स, सो मैनेजमेंट दे हैव टू एंटीसिपेट द ट्रेंड व्हाट विल बी द फ्यूचर। उसी के हिसाब से वो उनको वो लाना होगा। इन द लाइट ऑफ दो फ्यूचर ट्रेंड्स, ये टेक्नोलॉजीज कौन सी आ रही हैं, उसी के हिसाब से दे हैव टू प्लान, ऑर्गेनाइज, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल द थिंग्स। इफ दे कांट एंटीसिपेट, देन यू कैन से व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। It is the responsibility of management to anticipate future trends. Then इसके बाद scope क्या है financial management का? They have to estimate financial requirement. उसी के हिसाब से वो capital structure company का, वो debt और equity का कितना mix चाहिए और कौन कौन से sources of finance चाहिए, क्या हमने डेट के ऊपर चलाना है या इसके लिए इक्विटी के ऊपर चलाना है, इन्वेस्टमेंट का पैटर्न क्या होगा, हमारा कैश मैनेजमेंट और इन्वेंटरी मैनेजमेंट कैसा होगा। देन वी हैव टू इंप्लीमेंट द कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल लाइक आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना हमने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर कितना मनी आ रहा है, और ROTI, रोटी, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट, आप चाहते हैं कि आपकी जो रिटर्न है वो क्विकली हो, क्योंकि जो प्रोजेक्ट लगाते हैं ना, नए से नए प्रोजेक्ट लगाते हैं,
वो देखते हैं कि कितने टाइम में हमने कितना प्रोजेक्ट लगाया और वो कितना जल्दी से जल्दी हमको रिटर्न मिला. दैट इज ROTI, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट. बजटरी कंट्रोल, ये मैंने आपको, ये भी थ्योरी का आता है. वी प्रिपेयर द बजट्स, वी एलोकेट द थिंग्स अकॉर्डिंगली. तो ब्रेक इवन एनालिसिस करते हैं, कॉस्ट कंट्रोल जो करते हैं, देन रेशियो एनालिसिस भी होता है, इंटरनल ऑडिट भी होता है, और साथ में डिविडेंड डिसीजन दे आर टू बी मेड. डिविडेंड डिसीजन दे आर टू बी मेड. इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है. इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. मैंने आपको अभी बताया कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज बिजनेस कैन इनहांस प्रॉफिट थ्रू फॉलिंग मींस करप्ट प्रैक्टिसेस, होल्डिंग, ब्राइबिंग एक्स्ट्रास, दैट विल लोअर द मॉरल ऑफ एम्प्लॉइज एंड गेटिंग वर्क डन थ्रू फियर बार्गेन सिस्टम. क्लियर है कि नहीं सर? आर प्रॉफिट, यस As you said, the objective of financial management is not to increase the profit, right, sir? Yes. But its objective is to increase the wealth. So what, like, what kind of wealth? Is it goodwill or like? Yes. क्योंकि सभी कुछ हो उसमें intangible. क्योंकि आजकल जो सिर्फ tangible assets नहीं, जैसे fixed assets हैं, वो contribute करेंगे. Your goodwill will also contribute. क्योंकि ये मैं मानता हूं कि करप्शन की जो प्रैक्टिसेस है ना, वो करप्शन जो है ना वो इलिमिनेट तो नहीं हो सकती, लेकिन वो मिनिमाइज हो जाती है. क्लियर है कि नहीं? एंड जो इंडस्ट्रीज हैं जिनकी जो प्रैक्टिसेस करप्ट प्रैक्टिसेस पे नहीं चलते हैं, उनकी रेपुटेशन जो अच्छी है. अगर हम वर्कर से फियर के थ्रू या बार्गेनिंग टैक्टिक्स के थ्रू काम लेते हैं, तो उसके साथ उनका जो मॉरल है ना वो डाउन होता है. चाहे हमारी कॉस्ट तो रिड्यूस हो जाती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाते हैं, लेकिन ये लॉन्ग रन में एक्सेप्टेबल नहीं है. देन लोअरिंग एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूचर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज एंड वेलफेयर स्कीम, इसके ऊपर एक्सपेंडिचर कम कर दें तो आपके प्रॉफिट तो ज्यादा आ जाएंगे, लेकिन वो फ्यूचर में उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन वो इतना नहीं अच्छा होगा. मैनुपुलेटिंग द बैलेंस शीट फिगर, ये बैलेंस शीट फिगर को मैनुपुलेट होती है. इसका जैसे एनरॉन का स्कैंडल हुआ, ये क्या था, इन्होंने बैलेंस शीट में एसेट जो थे ना वो दिखाते गए मार्केट वैल्यू के ऊपर, प्रॉफिट वो दिखाते गए, लेकिन एक स्टेज के ऊपर वो कोलैप्स कर गए. डज इट गेन क्रेडिबिलिटी? टाटा की रेपुटेशन है रिलायंस से बढ़िया है. Profit maximization is rejected because of ambiguity, time value of money, ignore risk factor, dividend policy. क्योंकि जो profit maximization है ना, इसका जो concept है ना clear नहीं है. Then time value of money. अगर मान लीजिए कि आपके जो profit है ना वो 5 साल बाद आते हैं, लेकिन जो हर एक इनफ्लो की उसकी टाइम वैल्यू है, तो रिस्क फैक्टर को इग्नोर करते हैं, देन इसके बाद वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर इज द एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस. हाउ इट कैन, लॉन्ग रन प्लानिंग करें, एथिक्स पे चलें, एप्रोप्रिएट टाइमिंग ऑफ फाइनेंस करें, तो बेस्ट सोर्सेस वो प्रोक्योर करना है फाइनेंस.
हमारे पास डिफरेंट सोर्सेस होंगे, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोर्सेस से क्या ऑब्जेक्टिव है उसी के हिसाब से हम करेंगे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो वेल्थ है ना वो इट शुड बी मैक्सिमाइज्ड। क्लियर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द सोर्स ऑफ फाइनेंस, व्हाई वी नीड फाइनेंस। हमारे पास तो सोर्सेज मिल जाएंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन करना होगा कि व्हाई वी नीड फाइनेंस। आप बता सकते हैं कि व्हाई वी नीड फाइनेंस, तो आपको कौन कौन से कारणों से ये फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। इफ वी वांट टू लॉन्च न्यू प्रोजेक्ट देन वी नीड मनी। बिफोर लॉन्चिंग द प्रोजेक्ट we have to anticipate the capital requirement for fixed assets and current assets. It has to anticipate the financing requirement for long run or as well as short run. वो पहले anticipate करनी होगी। तो देखिए, जो basically ना दो तरह के हम sources of finance है ना जो discuss करेंगे, equity financing and debt financing. इक्विटी में ऑनर चाहे वो इक्विटी शेयर हैं या प्रेफरेंस शेयर हैं, और दूसरा डेट फाइनेंसिंग। इसको हम ऐसे भी कहते हैं ओनर्स ओन फंड्स एंड लोन फंड्स। जो लोन फंड होते हैं वो डेट फाइनेंसिंग में आते हैं, जो ओन फंड है वो इक्विटी में आते हैं। ओन फंड्स आर इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, वेंचर कैपिटल एंड फॉरेन इक्विटी। बताते हैं ओन फंड में जैसे इक्विटी शेयर्स हैं, जिसके जो इक्विटी शेयर दे आर द अल्टीमेट ओनर्स ऑफ द कंपनी। प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर होते हैं जो दो तरह की, जिनकी जो प्रेफरेंस होती है। नंबर वन, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, उनकी पहले प्रेफरेंस है। नंबर टू, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड देना है तो उनकी जो पहली प्रेफरेंस होती है वो किसकी होती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की होती है। दे कैरी टू टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस ओवर इक्विटी शेयर्स, वो कौन कौन सी होती हैं। एक तो वो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, और दूसरी जो प्रेफरेंस है ना पेमेंट ऑफ डिविडेंड। वेंचर कैपिटल में क्या होता है, वेंचर कैपिटल में ये होता है कि हमारे पास आइडिया है, हम टेक्निकली हमारे पास एक आइडिया साउंड है, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे आईसीआई, फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन, कुछ इस तरह की जो वेंचर कैपिटल कंपनीज होती है ना, उनके पास वो प्रोजेक्ट लेकर जाते हैं कि ये मेरे पास आइडिया है लेकिन मेरे पास फाइनेंस नहीं है। वो क्या करते हैं, वो 20-30% जो शेयर्स है ना वो उसकी प्लेसमेंट कर देते हैं, वेंचर कैपिटल कर देते हैं, या कुछ 70% या 80% वो कर देते हैं। आइडिया तुम्हारे पास है, वो कंपनी कहती है कि मैं इसमें पैसा लगाता हूं। जैसे हम कहते हैं वेंचर कैपिटल का मैं कंसेप्ट और भी बताता हूं, जैसे ओसामा बिन लादेन, ही वाज द वेंचर कैपिटलिस्ट ऑफ टेररिज्म। टेररिस्ट उसके पास जाते थे, वो कहते हैं कि हमारे पास ये प्लान है, वो कहता है ठीक है पैसा मैं लगाता हूं आप काम कीजिए। दिस वाज आल्सो द वेंचर कैपिटल ऑफ टेररिज्म। लेकिन बिजनेस के हिसाब से आप कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको, जैसे आईसीआईसीआई,
TDICI, तो कुछ इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो फाइनेंस करती हैं, क्लियर है कि नहीं। फिर इसके बाद इक्विटी, फॉरेन इक्विटी, जितने भी वो जॉइंट वेंचर्स होते हैं उसमें ये होता है कि जो लोकल पार्टनर है ना उसके पास पैसा नहीं होता तो उसको वो फाइनेंस कौन करता है, कुछ वो फॉरेन कंपनी है। जैसे आप देख लीजिए इंश्योरेंस में कोई भी कंपनी ले रही है, HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस, HDFC के पास पैसा नहीं, उन्होंने स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस से लिया, उसमें क्या होता है कि एक तो वो फॉरेन जो है ना ऑर्गेनाइजेशन, एक तो वो कैपिटल देता है और साथ में वो अपनी टेक्नोलॉजी भी देता है, लेकिन जो लोकल कंपटीटर है वो अपनी नेटवर्क का एडवांटेज देता है। एंड इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये है, क्या है, इक्विटी फाइनेंस के ये हैं, नो कंपल्शन टू पे डिविडेंड, नो प्रॉब्लम टू रीपे द कैपिटल अमाउंट, इजीनेस इन रेजिंग लोन, इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स इन द मार्केट, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि हमने डिविडेंड देना है या कोई इंटरेस्ट देना है। तो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इज इजी, तो लोन भी रेज करना इजी है, इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इन द मार्केट, मार्केट में शेयर जो है ना ट्रांसफर करने इजी है, लेकिन इसके डिसएडवांटेज है डिल्यूजन ऑफ द कंट्रोल एज सर्टन प्रेशर ग्रुप्स कैन मैनिपुलेट एंड कंट्रोल द बिजनेस, ये होता ही है। आमतौर पर ये होता है कि जो फॉरेन कंपनीज है ना वो एक स्टेज पे ना वो उनके जो शेयर्स हैं वो कैप्चर कर जाते हैं, जैसे 50-50 ने शुरू किया, लेकिन वो सर्कमस्टांसेस इस तरह के क्रिएट कर देते हैं कि जो लोकल कंपटीटर है ना उसको अपने वो शेयर्स है ना वो उनको देकर वो लिक्विडेट करवाने पड़ते हैं, मोर कॉस्टली देन प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स। ये इक्विटी फाइनेंस है ना, अगर हम कमा रहे हैं मान लीजिए कि 20% कमा रहे हैं, ठीक है नहीं, प्रेफरेंस शेयर को या लोन को हम 10% दे रहे हैं, देन वी आर ओके। अगर मान लीजिए हम 8% कमा रहे हैं और 10% का इंटरेस्ट दे रहे हैं, देन वी आर इन द पोजिशन ऑफ लॉस। अगर हम एक्सेसिव कैपिटल रख लें, उसकी यूटिलाइजेशन ना हो, देन इट इज कॉल्ड एज ओवर कैपिटलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड एज ओवर कैपिटलाइजेशन विच इज नॉट गुड। ओवर कैपिटलाइजेशन की स्टेज में ये होता है कि आपकी जो कैपिटल है ना वो ज्यादा होती है लेकिन उसकी जो रिटर्न है वो कम होती है, क्लियर, दिस इज स्टेज ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं। प्रेफरेंस शेयर नो रिस्क ऑफ लूजिंग कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट, इसको डिविडेंड दिया है इस पे जो शेयर लिक्विडेट कर दो आपका कंट्रोल बरकरार रहता है, इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। इनहांस्ड अमाउंट ऑफ सरप्लस फ्रॉम इक्विटी शेयर इफ द रेट ऑफ अर्निंग इज मोर देन द रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट है 10% और हम कमा रहे हैं 12% या 15%, देन वी आर अर्निंग फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर, नॉट मच बर्डन रिगार्डिंग रीपेमेंट ऑफ डिविडेंड। अगर ये कंपनी लॉसेस में आ जाए तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड को इनकम टैक्स पर्पस के लिए उसकी डिडक्शन ही क्लेम कर सकते जो हम डिवेंचर के लिए क्लेम करते हैं, इसी कारण से इसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो ज्यादा आती है। मैं बताता हूं,
डिवेंचर अगर हमने 10% इंटरेस्ट दिया तो 10% जो 10% थे ना, 10 रुपए का इंटरेस्ट दिया, उसके हिसाब से हमको 3 रुपए का इनकम टैक्स का बेनिफिट भी हो जाता है डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट पे ना। अगर हम 10% इंटरेस्ट देते हैं ना तो वो जो एक्सपेंसेस शो करेंगे ना इनकम टैक्स में, वो डिवेंचर का एक्सपेंसेस शो करेंगे, उसका जो बेनिफिट है इनकम टैक्स का हो जाएगा, लेकिन वो प्रेफरेंस शेयर्स में डिविडेंड में नहीं होता, प्रेफरेंस डिविडेंड में नहीं होता। क्लियर? ये डिसएडवांटेज है। देन इसके बाद हमारे जो लोन कैपिटल कौन कौन से आते हैं, इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं। अगर कंपनी की रेपुटेशन ठीक है तो मार्केट में वो लोन रेज कर सकते हैं, टर्म लोन्स। टर्म लोन्स होते हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या कमर्शियल बैंक से हम लोन ले लेते हैं, दे आर कॉल्ड एज टर्म लोन। इसमें यह होता है कि 5 साल बाद 10 साल बाद आपने वो पैसा देना है। जैसे कुछ वो कॉरपोरेशन जो लोन देती हैं, IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ICICI, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया IRBI, देन इसके बाद स्मॉल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन SFI। तो ये इस तरह की तो इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको टर्म लोन प्रोवाइड करती है, जो 1 साल से लेकर 10 साल तक हो सकता है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इंटरेस्ट रेट जो लोअर होता है, लोअर इंटरेस्ट रेट, लॉन्ग पीरियड ऑफ रीपेमेंट, नो डिल्यूजन ऑफ ओनरशिप, टैक्स बेनिफिट ऑफ डिडक्टेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, ये इसके एडवांटेजेस हैं। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लोअर होता है, लॉन्ग पीरियड का रीपेमेंट होता है, कोई बात नहीं, नो डिल्यूजन ऑफ ओनरशिप, टैक्स बेनिफिट भी इसके मिल जाते हैं। बट देर आर सर्टन डिसएडवांटेजेस, वो क्या है? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू हमको नेविगेट करना पड़ता है। सम टाइम एंटरप्रेन्योर हैव टू गो थ्रू करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ ब्रोकर। कई बार ये लोन को लेने के लिए ना कुछ ऑफिसर को उसकी जो करप्शन की प्रैक्टिसेस है वो भी फॉलो करनी पड़ जाती है मजबूरी से। Then more stressful to repay installment and interest. ये चलता है। Debenture क्या है? Debenture is the acknowledgement of debt under the seal of the company that contain, कि वो आप दे देते हैं कि इतनी देर बाद मैं कंपनी का जो कंपनी आपको पैसे दे देगी, ठीक है नहीं? इसमें ये होता है कि डिवेंचर में ओनरशिप नहीं होती और जो डिवेंचर का जो इंटरेस्ट है उसकी डिडक्शन मिल जाती है। कैश आउटफ्लो इज लिमिटेड टू इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, लेकिन इसके डिसएडवांटेज हैं, फाइनेंशियल बर्डन पड़ जाता है। अगर कंपनी 10% के हमने डिवेंचर लिए तो कंपनी 8% कमा रही है, देन नेचुरली कंपनी को लॉस होगा। डिवेंचर की फॉर्म में पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, डिवेंचर जो है ना उसके अगेंस्ट एक फिक्स चार्ज होता है। डिवेंचर में एक फ्लोटिंग चार्ज होता है, ठीक है नहीं? लेकिन पब्लिक डिपॉजिट्स में सिक्योरिटी नहीं होती ज्यादातर। डिवेंचर दे आर ऑलवेज सिक्योर्ड, पब्लिक डिपॉजिट्स में भी सिक्योर्ड। अगर मान लीजिए कि वो कंपनी डिसॉल्व हो जाती है तो डिवेंचर में
ऐसे होता है कि वहां फिक्स एक फ्लोटिंग चार्ज है, इनको पहले पैसे मिल जाने हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स में हो भी सकता है नहीं, बाकी के जो एडवांटेज वही है। कुछ डिवेंचर में ट्रेंड चले, जैसे जीरो इंटरेस्ट डिवेंचर्स, डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स, इन्फ्लेशन एडजस्टेड बॉन्ड्स, कमोडिटी बैक्ड बॉन्ड्स, ये इस तरह के आते हैं, डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स, क्लियर है कि नहीं। इसके बाद लीज एंड हायर परचेज में क्या होता है कि आप ऐसे करते हैं, रेंट पे आप ले लेते हैं, जैसे आपने ट्रक है ना वो फाइनेंस करा लिया, लीज पे ले लेते हैं, जितनी आप इसको पेमेंट देंगे, हायर परचेज में क्या होता है कि हायर परचेज में एंड में ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन लीज में नहीं होती। लीजिंग इज ए कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन ए लेसर एंड लेसी दैट गिव द लेसी, जो एंटरप्रेन्योर होता है, द राइट टू यूज स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द लेसर फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड इन रिटर्न फॉर स्टिपुलेटेड कैश पेमेंट्स। लेकिन हायर परचेज में ओनरशिप इन एसेट्स गेट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू द एंटरप्रेन्योर एंड इंस्टॉलमेंट हैज टू बी मेड। लीजिंग के ये एडवांटेज हैं, एक तो 100% फाइनेंसिंग एट द फिक्स रेट, रिस्क जो है ना वो डिक्रीज हो जाता है, फ्लेक्सिबल टर्म भी कर सकते हैं, देन इसके बाद टैक्स डिडक्शन भी मिल जाती हैं, बैलेंस शीट में आप ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग भी आप शो कर सकते हैं, क्लियर। ये लीजिंग के एडवांटेजेस हैं। देन एक होता है फॉरफेटिंग। फॉरफेटिंग इज ए मेथड ऑफ पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस वेयर 100% मीडियम टर्म एक्सपोर्ट रिसीवेबल आर डिस्काउंटेड बाय द एक्सपोर्टर विद द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसमें यह होता है फॉरफेटिंग में, आप किसी को एक्सपोर्ट करते हैं, वो उसके बदले बिल देता है, उस बिल को आप डिस्काउंट करा लेते हैं बैंक से, देन इट इज फॉरफेटिंग। फॉरफेटिंग इज ए मेथड ऑफ पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस वेयर 100% मीडियम टर्म एक्सपोर्ट रिसीवेबल आर डिस्काउंटेड बाय द एक्सपोर्टर विद बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्लियर। ये तो थे ना लॉन्ग टर्म फाइनेंस के। एक पढ़ेरा किसी ने चैट में किया सर, स्क्रीन आपको नजर आ रही है कि नहीं? हाँ बेटा, चित्रा मैडम आपको स्क्रीन नजर आ रही है? सर विजिबल सर, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल आ रही है सर। ठीक है ठीक है, ओके जी, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देन इसके बाद जो है ना, ये तो लोन कैपिटल है ना, जो शॉर्ट टर्म डेट की हम बात करेंगे, वर्किंग कैपिटल लोन के लिए बैंक से ले सकते हैं, कस्टमर से एडवांसेस भी ले सकते हैं। ऐसे होता था, अगर आप स्कूटर लेना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास पैसा है 60-70,000 रुपीज हैं, तो आप बाजार में जाकर एक्टिवा कोई स्कूटर या कोई भी ले सकते हैं, उसी टाइम पे ले सकते हैं। लेकिन एक वक्त था बजाज ऑटो वाले क्या करते थे, स्कूटर की वो बुकिंग होती थी, फिर वो लाइनें लगी होती थी, कस्टमर अपना पहले एडवांस देते थे, वो पैसा लेकर ना वो क्या करते थे, उसके वो फिर वो मैन्युफैक्चरिंग करते थे, उनका जो वर्किंग कैपिटल था वो नेगेटिव में आता था बजाज फाइनेंस वाले, बजाज ऑटो वालों। लेकिन अब तो लिबरलाइजेशन के टाइम पे वो रूल ऑफ द गेम हैज बीन चेंज, बट स्टिल अगर कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है तो वो कस्टमर भी एडवांस दे सकते हैं।
कस्टमर भी एडवांस दे सकते हैं। फैक्टरिंग में क्या होता है, एक मैंने आपको बताया वर्किंग कैपिटल लोन है, अगर बैंक से जाते हैं ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट बिल डिस्काउंट या एक्सपोर्ट क्रेडिट हम प्रोक्योर कर सकते हैं, क्लियर है कि नहीं। फैक्टरिंग में यह होता है जैसे आपके जो डेटर है ना आपको पैसा चाहिए, वो कहते हैं 2 या 3 महीने में देंगे, वही जो पैसा ने किसी फैक्टर के पास चले जाते हैं वो कहते हैं कि ये हमारे डेटर है आप हमें 5-10% जितना भी है कम है वो दे दीजिए, बाकी इनसे आपने कलेक्शन करनी है, क्लियर। 1 लाख के डेटर हैं मान लीजिए, वो किसी फैक्टर के पास गए, उसमें जो उनसे 95,000 5% डिस्काउंट करके ले लिया, वो जो इंस्टीट्यूशन है ना फैक्टर, वो जो इनसे वो डेटर से कलेक्ट करेंगे, दिस इज कॉल्ड फैक्टरिंग, दिस इज कॉल्ड फैक्टरिंग, ये अरेंजमेंट होता है फैक्टरिंग का, क्लियर है कि नहीं। इसके जो एडवांटेज क्या कहते हैं, इजी पोस्ट स्केल वर्किंग कैपिटल फाइनेंस हो जाता है, फ्रीडम फ्रॉम कॉम्प्लिकेशन जो होती है ना कोर्ट के केसेस एडमिनिस्ट्रेशन के, वो वहां से मुक्ति है। क्रेडिट इंश्योरेंस फैसिलिटी इन केस ऑफ, इसकी भी इंश्योरेंस भी एक तरह की हो जाती है, कोई बात नहीं। देन इसके बाद आता है स्क्रूटाइजेशन, स्क्रूटाइजेशन, स्क्रूटाइजेशन में क्या होता है, इज द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग इल लिक्विड एसेट्स लाइक मॉर्गेज लोन ट्रेड रिसीवेबल इनटू सिक्योरिटीज व्हिच मे बी ट्रेडेड लेटर इन द ओपन मार्केट, इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल री इंजीनियरिंग बाई पूलिंग और रीपैकिंग द होमोजीनियस इलिक्विडेबल एसेट्स इनटू द मार्केट। इसमें क्या होता है, एक पार्टी का इंटरेस्ट होता है, वो जो है ना वो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल ट्रेड होता है, तो उनसे आप जो है ना वो पैसा ले सकते हैं या सिक्योरिटीज ले सकते हैं, क्लियर है कि नहीं। देन कमर्शियल पेपर जो होता है ना वो एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, कंपनी एक शॉर्ट टर्म के वो कमर्शियल पेपर इशू कर देती है, मार्केट में कमर्शियल पेपर मिल जाते हैं, तो उसका एडवांटेज ये है कि वाइड रेंज ऑफ मैच्योरिटीज प्रोवाइड मोर फ्लेक्सिबिलिटी, तो इसमें एसेट का लॉस नहीं होता, ये एक तरह का ये कमर्शियल पेपर जो है ना ये शॉर्ट टर्म डेट को रेज करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। देन ब्रिज लोन, हमने किसी का लोन देना है तो वो शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए हम किसी से लोन लेते हैं बैंक से, क्योंकि हमारा इस वक्त तो आप टाइम निकाल दीजिए, दैट इज कॉल्ड एज ब्रिज लोन, जो लोन को रीपेमेंट करने के लिए ब्रिज जो लोन लिया जाता है ना शॉर्ट टर्म के लिए, दैट इज कॉल्ड एज ब्रिज लोन, क्लियर, ठीक है। दीज आर द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अगर आपको इसके बाद जो वर्किंग कैपिटल का हम करेंगे, इसका मैं आपको कल एक प्रैक्टिकल भी करा दूंगा, वर्किंग कैपिटल और बजटरी कंट्रोल के ऊपर मैं कल बोलूंगा। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, दिस इज एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स हमारे होते हैं कैश, बैंक बिल रिसीवेबल, डेटर स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट लायबिलिटी जैसे क्रेडिटर बिल पेबल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को एस्टीमेट करने के लिए एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं कि हमारे करंट एसेट्स क्या क्या होंगे, कैश होगा, डेटर होंगे, स्टॉक होगा, वर्क इन प्रोग्रेस होगा, फिनिश गुड्स होंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने होंगे। जैसे हमने नेक्स्ट मंथ वो सेल करनी है, नेक्स्ट पीरियड में 1 साल में हमने सेल करनी है, हम 50,000 का कैश हमारे पास रखते हैं, और डेटर को हम कितनी देर, हमारी जो सेल होगी ना जैसे 10 लाख की सेल होगी, एंटीसिपेट किया 10 लाख में से 80% जो क्रेडिट पे होंगी, 8 लाख रह गया, 8 लाख हम कस्टमर को कितना क्रेडिट देते हैं, 3 महीने का देते हैं, तो 3/12 कर लिया, वो डेटर में हम मनी ब्लॉक करेंगे। रॉ मटेरियल में कितनी, जैसे हमारी 10 लाख की सेल होती है
मान लीजिए हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6 लाख की आती है, 6 लाख में से 4 लाख रुपया जो है ना वो राम डीलर का है, तो राम डीलर की कितनी देर की कंजम्पशन के लिए हमें राम डीलर चाहिए वो एंटिसिपेट करते हैं। इसी तरह हमको वर्क इन प्रोग्रेस कितना रखना है, ठीक है नहीं, फिनिश गुड्स में कॉस्ट ऑफ सेल के हिसाब से कितना पैसा ब्लॉक करना है वो एंटिसिपेट करते हैं, और उसमें से करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर दिया, क्रेडिटर से हमने कुछ पैसा उनका क्रेडिटर का हमारे पास रखते हैं, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज रखते हैं, तो वो हमारा वर्किंग कैपिटल आ गया। इसमें आप कंटिंजेंसीज वो ऐड कर सकते हैं, कंटिंजेंसीज वो ऐड कर सकते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसी तरह से हम करते हैं, इसका मैं कल इसका एक प्रैक्टिकल एक दो करवा दूंगा। तो लास्ट जो स्लाइड है ना, बजटरी कंट्रोल, इसका भी थ्योरी का आता है क्वेश्चन, व्हाट इज बजट्स? बजट्स दे आर द न्यूमराइज्ड प्लान्स। हमारी सेल कितनी होगी उसको हम नंबर में एक्सप्रेस करते हैं, देन इट बिकम आवर बजट, ये हमारा सेल बजट है। उसी के हिसाब से हम परचेज बजट भी तैयार करते हैं, कैश बजट भी तैयार करते हैं, वर्किंग कैपिटल बजट भी तैयार करते हैं, ठीक है नहीं। एक फ्लेक्सिबल बजटिंग में ये होता है, वी प्रिपेयर बजट फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग में किया, डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज के लिए हम बजट वो तैयार कर सकते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज फ्लेक्सिबल बजट, बजट फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज। देन इसके बाद एक जीरो बेस बजटिंग में ये होता है, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ये प्रैक्टिसेस हैं कि पिछले साल 5 लाख का बजट था दिया आपको स्टेशनरी का, तो इस बार कोई बात नहीं 6 लाख दे दी है, ऐसे नहीं। वो कहते हैं आप रिक्वायरमेंट पेश करो, कितने नेक्स्ट ईयर में आपको क्यों देना है, रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे ही आप रिक्वायरमेंट देंगे उसी के हिसाब से वो बजट वो देंगे आपको, एलोकेशन ऑफ फंड्स करेंगे, क्लियर है कि नहीं। तो मैंने आज आपको इतना ये करवा दिया, एंड स्टूडेंट आपका मैंने रिस्पॉन्स देखना है। प्रियंका इज इट ओके? प्रियंका यस सर दिस इज ओके। देन रोशनी, अनुषा, सुल्तान, इज इट ओके? जी सर, जी सर, यस सर। मैडम चित्रा, इन्होंने टेस्ट किया है सभी ने? हाँ जी, हाँ जी सर, किया है सर। क्या है ना, तो मैं आपसे वो इनकी जो है ना वो बाद में ये पूछ लूंगा, तो कल मैं इनको ये, और आपका कुछ है थ्योरी का बता दीजिए प्रियंका या रोशनी, वो कल मैं करवा के ना, तो ये मैंने कल ये ना वो पूरा करवा देना है सिलेबस। हाँ जी, हाँ अनुषा बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है। सर समझ में तो आ रहा है, बट बीच बीच में कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा है। बताइए 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 इसके मैंने ना सर, कल एक बार क्या बोलते हैं वो जो क्वेश्चन पेपर थे ना उसको सॉल्व कर, मतलब हमें दिखा पाओगे क्या वो? कर पाएंगे। इसमें ऐसे ना, जैसे आपने ये टेस्ट मैंने दिया था ना, बिकॉज आई वांट यू टू डू द क्वेश्चन न्यूमेरिकल फोर्सफुली, उसमें पेपर में ना जो पता नहीं वो 5 क्वेश्चन में से 1 या 2 आपको थ्योरी के करने होंगे, बाकी के जो क्वेश्चंस है ना, मतलब कि प्रैक्टिकल और थ्योरी जैसे भी क्वेश्चन आए आप अटेम्प्ट कर सकते, यही मेरी दुआ है, यही मेरी कोशिश है, क्लियर है कि नहीं। तो आप कर लेंगे कोई बात नहीं, ट्राई टू अटेम्प्ट इट। तो इसके जो क्वेश्चन पेपर भी अगर मैं चित्रा मैडम को से वो शेयर कर दूंगा तो यू कैन सी, ठीक है। नो कैन आई क्लोज द मीटिंग नाउ मैडम चित्रा? जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है जी, ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड डे, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
कल मैं यही क्लास लूंगा इसी टाइम पे। थैंक यू जी सर। ओके।